आवासहीनों को पालिका उपलब्ध कराएगी आवास। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में पालिका की विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेंसोनेनिक लार्ज स्थित निर्माणाधीन कार पार्किंग के नीचे आवासहीनों के लिए आवास बनाए जाएंगे, जिसमें नीति बनाकर जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों का आकलन किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी से अनुबंध किया गया जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नगर पालिका परिषद मसूरी की विशेष बैठक में सभी सभासदों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया, आज नगर पालिका की महत्वपूर्ण विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार पार्किंग के निचले भाग में जरूरतमंद लोगों के लिए आवास बनाए जाने हैं। साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों का आकलन करने के लिए कहा, ताकि पालिका की आय को सुनिश्चित किया जा सके। नव भारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। देखिए, आज विशेष बैठक पालिका द्वारा आयोजित की गई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक बैठक हुई गई थी, उसमें एक प्रस्ताव त्रुटिवश हमसे छूट गया था, जिसमें जो मैसेनिक लॉज पे पालिका द्वारा जो पार्किंग का निर्माण कराया गया, उसके नीचे जो खाली जगह है, तो पालिका बोर्ड ने आज निर्णय लिया है, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अफोर्डेबल रेंटल योजना, जो गरीब लोगों के लिए एक योजना है, उसके अंतर्गत इसे बनाया जाए, और इसके लिए हम स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो हमारा DPR इंजीनियर है, हम उससे इसकी अप्रूवल लेंगे, और अप्रूवल लेने के बाद ही इसमें आवास इसमें बनाए जाएंगे, जो कि मसूरी के गरीब लोगों को, जिनके पास आवास नहीं है, एक पॉलिसी के तहत उन लोगों को आवंटन किए जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव जो है सीमांत में की बात की गई है, 6 स्थानों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन से 6 स्थान जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए, कुछ ये एक शासन द्वारा एक RFP हम लोगों से मांगी गई थी, उसके साथ में हमने कंपनी गार्डन, सिविल हॉस्पिटल, मसूरी झील, इकोटैक्स, इनके जो स्थान है वो इनकी RFP बना के शासन में भेजी गई है।